प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी में आए दिन जिला सरकारी अस्पताल की खबर प्रकाशित होती रहती है, मगर स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। बात यह है कि अस्पताल के जिम्मेदार थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि जो बुजुर्ग ब्लड में जाकर खड़े हो जाते हैं उनके लिए कोई नियम लागू किया जाए तो ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं हो पाते, जबकि हर जगह पर बोर्ड पर लगा हुआ है 50 से 80 साल के ऊपर बुजुर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रतादानी और पत्रकार की एक अलग लाइन लगती है। एक जगह लिखा होता है कि मगर ऐसा ब्लड बैंक में नहीं है, मरीज को दर दर भटकना पड़ता है और उनका ब्लड जांच नहीं हो पाता। वहीं पत्रकार साथी भी अगर जाते हैं तो उनका भी कोई सम्मान नहीं होता, उनसे भी कह दिया जाता है कि आप भी लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतज़ार करो। पत्रकार एक समाज का आईना होता है, दुनिया का चौथा स्तंभ माना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आए दिन बयान आता रहता है किसी भी सरकारी विभाग में अगर पत्रकार जाए तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, मगर ऐसा स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक में बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही बाराबंकी जिला अस्पताल में आए दिन नजर आती है। आखिर कब सुधार होगा जिला अस्पताल का? स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए दिन बाराबंकी के अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं। किसी भी मरीज को जिला अस्पताल में इलाज को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सारी सुविधा मुहैया करवाती है। धन्यवाद। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार। राजकुमार कहाँ से आए हो आप? जलुहा मऊगांव। क्या दिक्कत है आपको? बुखार रहा था, शुगर है। यहाँ पे क्या कराने आए हो? यहाँ डॉक्टर रखा है तो जाके देखिए। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 61-62 साल है। 61-62। कितनी देर हुआ आए हुआ? कब कब आए हुआ? आए हम का कुछ 2.5 घंटा पहले हुआ, तो फिर हम 2 घंटा भी लाल तक है, उसके बाद पैसा में 1 घंटा लाल लगा। यहाँ कितनी देर हो गई? यहाँ 1.5 घंटा कम लग गया। 1.5 घंटा हो गया। तुम नौजवान हो यार। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? पेट में दर्द है। ये कौन है? इसकी जांच कराने क्या? अपनी बच्ची की? कितनी उम्र है बच्ची की? 6 साल। क्या नाम है दादा? है क्या नाम है? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अरे आप आए कहाँ से हो? क्या उम्र कितनी है? 60 के ऊपर हो? ठीक। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए? कितनी उम्र है आपकी? 80 की। कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटे के ऊपर। लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अहमदाबाद मार्ग पर देर रात बडूटपुर क्षेत्र के नेतापुर गांव के पास 2 कार व 1 ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में इरफान पुत्र एहतेशाम, वाहिदून निशा पत्नी स्वर्गी अनवर अली, अजीज अहमद उर्फ बुद्दुद पुत्र मोहरमर अली, तहिरा बानो पुत्री जाकिर अली व साबरीन पत्नी तारिकी काजमी शामिल हैं। सभी बाराबंकी जिले के कुर्सी क्षेत्र के उमरा गांव के हैं। एक ही परिवार के रहने वाले सभी ऑटो से एक रिश्तेदार के निधन पर हाल ही जाने जा रहे थे। ऑटो में सवार सयारा बानो पत्नी अजीज अहमद, एक बच्ची अक्सा पुत्री सारिक, वरुणा कार चालक नंदना खुर्द गांव का विवेक घायल है। एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि कार में सवार कुछ लोग दूसरे वाहन से गए, उनको भी पता किया जा रहा है। धन्यवाद। कोई 10 बजे की बात है, ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और 1 ऑटो की 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमीज है, वरना है और 1 ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक,
वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई तो सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, उसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पर जो मौजूद थे वो 8 लोग, एक बरना का ड्राइवर थे जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफर किया तत्काल आसपास के CHC पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, तो वहाँ CHC पे 2 लोग की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पर ब्रॉडवे गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी चिकित्सा, 2 लोग सीरियस हैं जिसमें 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं, तो उसको रेफर करना पड़ेगा अभी KGMC को। वहाँ पे जो गाड़ियाँ हटा दी गई हैं रोड तो क्लियर है वहाँ पर, और हम लोग और जानकारी करेंगे तो अमेज थी ये गाड़ी वहाँ पे सड़क पर खड़ी है क्षतिग्रस्त हालत में, उसके इंजर्ड लोग कहीं अपने स्वतः जाकर के इलाज करा रहे हैं लखनऊ में, तो हमारी टीमें गई हैं, एक महमूदाबाद का एड्रेस भी आया है तो हमने महमूदाबाद इंस्पेक्टर से भी बात की है, वो जाकर उदा वक्स गाँव का नाम है वहाँ जानकारी कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं ताकि उनको भी देखा जा सके। ये तालाब में गई थी उसका, ये तालाब में गई उसको तो निकाल लिया गया, उसका ड्राइवर तो निकल गए थे, उन्होंने वो ड्राइवर ने बताया भी था कि हम अकेले तो टीम आई थी निकालने के लिए, SDRF को हम लोगों ने बुलाया था, SDRF भी आ गई थी और आसपास से हम लोग मंगा लिए थे हैदराबाद से, किसी खींच के उसको निकाल लिया। टोटल सर आप लोगों के द्वारा कितने लोग थे जिनको घायल, कितने वहाँ पे जो भी स्पॉट पर मौजूद 8 लोग थे उनमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है, 3 लोग अभी उपचार।